हेलो माय डियर फ्रेंड्स, विथ अनदर एसे माय फेवरेट प्लेस। कभी कभार आपसे ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ऐसे में नहीं, इंटरव्यू में भी कभी कभी सवाल करते हैं कि आपकी फेवरेट जगह कौन सी है, यानी आपको कौन सी जगह ज़िंदगी में सबसे अच्छी लगी। तो हम अक्सर जो हैं गांव से होते हैं, फिर हम मूव करते हैं शहरों में, या जो शहर के होते हैं उन्हें भी कभी कभार जो है दही इलाके पसंद होते हैं। लेकिन या आप वो फॉरेन की बात करते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर पूछते हैं, जानना चाहते हैं आपको कौन से इलाके पसंद हैं, सो बताएं कुछ। सो ये उस पर निसार है माय फेवरेट प्लेस, यानी मेरी पसंदीदा जगह। सो आज देखते हैं, माय मोस्ट फेवरेट प्लेस इज़ माय ग्रैंड्स पेरेंट्स हाउस। ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे अब, और ये बेसिक लिखा हुआ है, कोई भी लिख सकता है ऐसे, क्योंकि इसके में किसी का खास नेम वगैरह नहीं है। तो इसमें लिखा है कि मेरी जो सबसे पसंदीदा जगह है वो मेरे दादा दादी का घर है। इट इज़ लोकेटेड इन ए विलेज, ये गांव में मौजूद है, सबके गांव का नाम गांव ही है। इट इज़ लोकेटेड इन ए विलेज, ये गांव में। इट ओनली हैज़ 5 रूम्स, इसमें 5 जो हैं कमरे हैं। बट इट इज़ अ वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड, लेकिन वो अच्छी तरह से बना हुआ है। The walls of the house are painted with white color and from inside, जो दीवारें हैं घर की वो अच्छे कलर से रंग हुई हैं अंदरूनी अंदर से। It is very colorful, बहुत ही अच्छा कलर लगा हुआ है, रंगीन है। My grandfather personally took part in building this house and he made his house with so much love. मेरे दादा ने अपने हाथों से ये जो है घर बनवाया है, खुद भी बनाया है और बहुत ही प्यार से घर बनाया है। दिस हाउस आल्सो हैज़ बैकयार्ड, इस घर के पीछे एक आहाता है, जगह है, वेयर माय ग्रैंडमा यूज्ड टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जहाँ पे मेरी दादी जो है वहाँ पे मेवे और सब्जियाँ उगाती है। I have always been more excited to spend my summer holidays at this place. मैं हमेशा इसी खुशी में होता हूँ, जोश में होता हूँ कि मैं गर्मियों की छुट्टियाँ वहाँ पर जाके मनाऊँगा। I spend all my summers there and that is the best time of my life. यानी ये बचपन की बातें हैं, जब आप बचपन में थे, तो जब आप स्कूल में थे तो आप अपनी छुट्टियाँ जो हैं गर्मियों की वहाँ पर बिताते थे। I play on yard, climb the trees to pick fresh fruits and eat fresh vegetables. मैं जो है घर का जो आता है ग्राउंड है, सहन है, उसमें खेलता हूँ और फ्रेश फ्रूट्स मेवे यहाँ वहाँ से निकाल के, वेजिटेबल्स निकाल के खाता रहता हूँ। I also help my grandma or grandmother to plant seeds in the garden. और मैं हमेशा अपनी दादी माँ का साथ देता हूँ कि उस गार्डन में, उस सहन में जो है पौधे वगैरह या बीच उगाए जाएं। मेरे पसंदीदा जगह, ये सारा जो लिखा हुआ है उसकी ही मीनिंग है। मेरी सबसे पसंदीदा जगह मेरी दादी दादा का घर है। ये एक गांव में वाकई है, इसे सिर्फ 5 कमरे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से तामीर किया गया है। घर की दीवारें हैं सफ़ेद रंग से पेंट किया गया है और अंदर से बेहद रंगीन है। मेरे दादा ज़ाती तौर पे इस घर की तामीर में हिस्सा लिया है और इसने इस घर के उसके साथ ही बनाया। ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत है और घर के पीछे भी यहाँ जगह है। मेरी दादी जाया करती थी, फल और सब्जियाँ हैं। मैंने हमेशा अपने मौसम गर्मा यानी गर्मी की मौसम को खर्च करने के लिए यानी बीतने के लिए वहाँ पे काटने के लिए ज़्यादा हौसला अफजाई की है और इस जगह पर छुट्टियों में अपनी तमाम गर्मियाँ वहाँ पे गुजारता हूँ। और ये एक बेहतरीन वक्त है मेरी ज़िंदगी है। मैं सहन पर खेलता हूँ, ताज़ा फल और ताज़ा खाने के लिए दरख्तों पे चढ़ता जाता हूँ, सब्ज़ियाँ और अपनी दादी को भी बाग में बीज लगाने में मदद करता हूँ। सो एक दो वर्ड्स आगे पीछे हैं, लेकिन यही इसकी जो है मीनिंग है, माय फेवरेट प्लेस। कोई भी अगर लिखना चाहे तो ये लिख सकता है। इसमें से ये बेसिक क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं कि आपका गांव कौन सा है जो आपको पसंद है, आपके चचा जान कितने हैं, ये क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, ये भी एक बेहतरीन ऐसे था आपके लिए।